आपके पास केमिस्ट्री टीचर हूँ जो 12 साल से आपके पास केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, नीट एग्जाम के लिए, आईआईटी एग्जाम के लिए आपको कुछ लगातार आपके पास टिप्स देता आ रहा हूँ, आपके पास बच्चों को आईआईटी नीट तक पहुँचा के आ रहा हूँ मैं आपके पास। तो आप कहोगे सर इस बात का हमारे से क्या लिंक है, तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 10th से 11th में आते हैं जो ये सोच के आते हैं कि सर हमें नीट करना है या हमें आईआईटी करनी है या हमें आपके पास डॉक्टर बनना है। तो किस तरह से हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि हर पेरेंट्स का सपना होता है कि भाई बच्चा किसी ना किसी तरह से आपके पास डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। मेरा भी सपना है मेरा बच्चा आपके पास इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, बट कैसे? अगर मैं इस बात को करना चाहूँ, क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ जहाँ देखता हूँ कि भैया बच्चे आते हैं मेरे पास कहते हैं कि सर हमें एग्जाम करना क्लियर करना है, मेडिकल करनी है या आपके पास आईआईटी करनी है, तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ कि बच्चों के अंदर एक्चुअल में वीकनेस क्या है क्या नहीं है। और बच्चा जब 10th से 11th में आता है तो वो सोचता है कि सर मैं कर तो लूँगा, बट एक जो कहते हैं ना मेहनत होनी चाहिए भाई इस डायरेक्शन में, क्योंकि शुरू शुरू में तो वो हर तरह के बुक इस्तेमाल करता है, DPP लेता है और आपके पास बहुत सारे डिफरेंट आपके पास कह सकते हैं कि DPP को लेके कोचिंग सेंटर ज्वाइन करता है, सैटरडे संडे क्लास लेता है और ट्यूशन क्लासेस लेके, फिर भी उसका कहीं ना कहीं गोल इधर उधर आपके पास डिफ्लेक्ट हो जाता है। बट उस चीज़ को अगर आप क्लियर करना चाहते हो कि सर मैं कैसे करूँ, फिर पेरेंट्स से रहता है कि चलो ठीक है बेटा 11th जैसा गया, आपको ना 12th के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है और किसी तरह से आप 95 स्कोर कर लो, ताकि अगर चलो स्कोर हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि आपके पास एक साल ड्रॉप करा के आपको नीट के लिए आईआईटी के लिए प्रिपेयर कराएं। अब मेरा ये क्वेश्चन था कि भाई हम 2 साल से अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो मेरा पहले क्यों नहीं हुआ, और क्या गारंटी है, कौन ऐसी गारंटी ले सकता है कि मैं कोटा जाके या आपके पास फलाना कोचिंग सेंटर ज्वाइन करके आपके पास नीट का एग्जाम क्लियर कर लूंगा। अगर कोई ऐसी गारंटी लेता है तो भूल जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो है वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, वही आपको एक नीट तक या आपके पास एक IIT तक पहुंचा सकता है, और कोई भी दुनिया की कोई ताकत आपको यहाँ पर नहीं पहुंचा सकती। क्यों? उसका कारण मैं 10 साल से फेस करता आ रहा हूँ, मैंने खूब बच्चे देखे हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो स्टार्टिंग के अंदर अपना गोल लेके चलते हैं कि सर मेरे को हर हाल में डॉक्टर बनना है। क्यों? मेरे पापा का सपना है, मेरे मम्मी का सपना है, और सबके सपने को साकार करने के लिए हम चल पड़ते हैं एक भेड़ चाल के अंदर कि वो कोटा जा रहा है तो मैं भी कोटा जाऊंगा, वो आकाश जा रहा है तो मैं भी आकाश जाऊंगा, वो एलन जा रहा है तो मैं भी एलन जाऊंगा। हर पेरेंट्स की कैपेसिटी नहीं होती कि आप पिछले 10 साल का 5 साल का अगर आंकड़ा उठाओगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जो 65% का अगर मैं रेशो उठाऊं तो ऐसे बच्चे हैं जो फ्रेशर ही आपके पास IIT या PMT कर गए। अब अगर मैं इन चीजों को देखूं तो इस ये आंकड़ा आपके पास क्या कह रहा है, ये आंकड़ा कह रहा है कि वो सारे ऐसे जो परिवार थे जो आपके पास मिडिल क्लास के थे। अब मिडिल क्लास के लोग इतना पैसा कहाँ से लेकर आएंगे अगर MBBS कराते हैं प्राइवेट से। अब जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारे बच्चे भी हैं, कहते चलो सर ठीक है प्लस टू में 95 ले आएंगे, एक साल ड्रॉप कर लेंगे। मैंने कहा उसके बाद नहीं हुआ तो उसके बाद क्या करोगे? बोले सर उसके बाद तो फिर ऐसा है कि देखेंगे। पेरेंट्स से पूछते हैं तो पेरेंट्स ऐसे कहते हैं कि सर हमारे पास तो थोड़ी जमा पूंजी है तो कोशिश करके अपना प्राइवेट में करा देंगे। अब आप मेरे को एक बात बताइए कि अगर प्राइवेट की फीस आज मैं देखता हूँ तो 1 साल की 20 लाख रुपए है, अगर पूरे हम 5 साल 5.5 साल की या 4.5 साल की फीस देखते हैं पूरे बच्चे का खर्चा वर्चा सब मिला के तो करीब 1.5 करोड़ रुपए उसके ऊपर खर्च हो जाता है। क्या आप बता सकते हैं 1.5 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद वो बच्चा समाज सेवा करेगा? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? बच्चा सिर्फ वही अच्छा रहेगा जो अपनी मेहनत के दम पे, जो अपने परिवार के संस्कार को लेके आगे बढ़ेगा, वही नीट के लिए वही एक अच्छा डॉक्टर बन जाएगा, वही एक अच्छा इंजीनियर बनेगा, वही देश सेवा करेगा, वही समाज सेवा करेगा। बाकी 1.5 करोड़ रुपए लगा के मुझे नहीं लगता कोई बच्चा समाज सेवा करेगा। बाकी मेरा काम क्या है, मैं केमिस्ट्री टीचर हूँ तो मैं आपको एक सही डायरेक्शन दे सकता हूँ, एक सही गाइडलाइन दे सकता हूँ, और उस गाइडलाइन के लिए सबसे पहला मेरा आपके पास एक रिक्वेस्ट है, आपसे एक कहते हैं कि आप अपने बच्चे को सिर्फ ये बताइए कि स्टडी कहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं है आप कोटा जाके स्टडी करो। आपके मन में सेट होना चाहिए, आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि आप क्या PMT क्लियर कर सकते हो। पहला बात, अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मैं तो कोटा ही जाके क्लियर करूंगा या मैं तो आपके पास दिल्ली जाके क्लियर करूंगा, तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। बहुत लाखों बच्चे जाते हैं, कितने बच्चे जाके आपके पास कोटा में, क्योंकि कहते हैं ना कोटा जाना आसान है पर कोटा को दिमाग से निकालने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर किसी बच्चे का नहीं होता तो ये भूल जाइए कि वो बच्चा इतनी जल्दी से, क्योंकि वो सेल्फ कहते हैं ना आपके पास मोटिवेशन जो है वो उसका बिल्कुल खत्म हो जाता है, नील हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो जाता है। क्योंकि हर आदमी अगर कोई उससे बात करना चाहेगा, चाहे रिश्तेदार हो चाहे कोई भी हो, वो उससे यही पूछता है बेटा हुआ नहीं हुआ तेरा, हुआ नहीं हुआ। तो 11th तक ठीक है बच्चा आता है, उसको पता ही नहीं रहता एक्चुअली पढ़ना क्या है,
मैं खुद केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैं खुद बच्चों से पूछता हूँ, एच सी वर्मा से लेकर आपके पास अरियंत की से लेकर जीआरबी तक ऐसा कोई आकाश का एलन का मॉड्यूल नहीं छोड़ते जो लोग परचेज नहीं करते हैं। जितना जो टीचर के मुंह से निकलता है कि आर सी मुखर्जी ले आओ, भाई ले आएंगे सर, आपके पास एस सी वर्मा ले आओ, ले आएंगे सर, आपके पास बायो में जो भी बुक लानी है सब ले आएंगे सर। अरे पढ़ेगा कौन उसको, आप पढ़ोगे भी तो सही, स्टडी टाइम नहीं है, स्कूल का टाइम 6 घंटे का, आना जाना 2 घंटे, ट्यूशन 4 घंटे, टाइम कहाँ बचा, बच्चे के पास सेल्फ स्टडी है ही नहीं। माँ बाप कहते हैं कि बेटा एक साल ड्रॉप करके अपना चला जियो कोटा, अब कोटा में क्या जाके करेगा, क्यों, जिस बच्चे से आपके पास 2 साल में है, जब 2 साल का सिलेबस कवर नहीं हुआ तो क्या गारंटी है उससे 9 महीने में कवर हो जाएगा। फिर पेरेंट्स कहता है कि चलो बेटा कोई बात नहीं, प्लस वन जैसी गई गई, आप प्लस टू में मेहनत करो मार्क्स के लिए। फिर फाइनली बच्चा लड़ झगड़ के खूब मेहनत करके आपके पास रात काली करके ले आता है 95%। फिर घर वाले कहते हैं कि बेटा अब तेरा काम क्या है, तेरा काम है सिर्फ आपके पास क्या करना, पीएमटी क्लियर करना। अब पीएमटी कैसे क्लियर होगा उसको नहीं पता। अब बच्चे को अपनी एबिलिटी पता है कि सर मेरे पास इतना कंटेंट नहीं है और मैं नहीं कर सकता, पर फिर भी लोग क्या कहते हैं, नहीं बेटा पैसा तो हम लगा रहे हैं ना, तुझे क्या दिक्कत है, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तू अपना जा मन लगा के पढ़। अरे मन कहाँ से लगेगा, वो मन लगाता तो पहले 2 साल लगा लेता, अब वो मन कहाँ से लगाएगा। फिर भी पेरेंट्स लड़ झगड़ के उसको समझा बुझा के उसके पेरेंट्स को उसके टीचर्स को बता बतू के अपना भेज देते हैं। अब 1 साल तो फुल जोश रहता है क्योंकि नीट तो अभी प्लस टू में भी देख के आया, नंबर आए उसके 280। अब घर वाले कह रहे हैं कि बेटा डॉक्टर तो तेरे को बनना पड़ेगा। अब डॉक्टर कैसे बनेगा वो, आप मेरे को एक बात क्लियर कर दीजिए, जिस बच्चे के चलो 95% आ गए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में दिन रात का डिफरेंस होगा, अगर बच्चे का सब्जेक्टिव अच्छा है, कंटेंट उसका क्लियर है, तो गारंटी है उसके 280 नंबर नहीं आएंगे, वो नंबर स्कोर करेगा, अगर थोड़ी बहुत गलतियां रह भी जाएगी तो 400-450 स्कोर कर लेगा इजिली। और अगर उसको आता ही नहीं है, रट्टाफिकेशन करके गया है, तो नंबर तो उसके 200 आने लाजमी है। अब 200 आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है सिलेक्शन आगे भी नहीं होना, क्यों, पहली बात सब्जेक्ट 3, बायो है उसके पास, फिजिक्स है उसके पास, केमिस्ट्री है उसके पास। अब सिर्फ बायो बायो के दम पे वो कैसे पीएमटी क्लियर कर सकता है, मुझे तो नहीं लगता। फिजिक्स भी चाहिए, केमिस्ट्री की परसेंटेज वेटेज बराबर है दोनों की, अब कैसे करेगा वो। बच्चा किससे पूछते हैं बेटा फिजिक्स कैसी है, सर फिजिक्स तो नहीं आती मेरे को, बायो कैसे, बायो में तो 300 स्कोर कर लेंगे, अच्छा केमिस्ट्री, सर केमिस्ट्री में 100-150 स्कोर कर लेंगे, फिजिक्स, सर फिजिक्स में तो सर नहीं बनेगी बात, फिर भी आपके पास आइडिया हो सर 50-60 ले आएंगे। अब 50-60 लाओगे तो टोटल करोगे तो टोटल भी नहीं बनते हमारे तो, क्यों, अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो जो स्कोरिंग है वो 550 प्लस जा रही है, दिल्ली की बात करते हैं तो 600 प्लस जा रही है, जनरल SC BSC टोटल सीटें अगर देखते हैं पूरे भारत में 1 लाख सीट है, 35,000 इसके अंदर आपके पास क्या है, सिर्फ गवर्नमेंट सीट है, बाकी 65,000 आपके पास प्राइवेट सीट है। अब 35,000 के लिए लड़ाई किसकी है, जनरल की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, सब कैटेगरी बटे हुए हैं। यहाँ तो इतना रोड़ा हो जाता है कि अगर दोनों बच्चों के सेम नंबर आ गए तो आगे जाके एक कैटेगरी और आ जाती है, क्या, जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज्यादा होगी उसको दे देंगे भाई। अब बच्चा तो बेचारा पिस गया, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए मेरा आपके पास सजेशन है कि अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो तो पहले आपको ये पता होना चाहिए सर मेरे को ड्रॉप करना है तो किसी, अगर आप ड्रॉप करना चाहते हो तो आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ड्रॉप के आगे फिर कुछ नहीं है, क्योंकि आप साल भी बर्बाद करोगे फिर नहीं हुआ तो। और उस समय एक बंद कमरे में 9 महीने बैठ के पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, शुरू में तो जोश होता है मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, वो मेरे से कह रहा है, वो मेरे से कह रहा है, वो मेरे से बोल रहा है, वो मेरे को सुना रहा है, तो मेरे दिमाग में रहेगा मैं कुछ भी करूं मेरे को हरा। अगर आप हालांकि ड्रॉप करना चाहते हो तो मैं आपको फिर ये कहूंगा, अगर आप ड्रॉप करना चाहते हो तो पहली बात आपके माइंड में पूरा प्लान क्लियर होना चाहिए कि सर मेरे को ये ड्रॉप करना है, और ड्रॉप करने के लिए है कि मेरे पास पूरा, चलो ठीक है आपके पास 90% आ गए, पर आपका सब्जेक्टिव, एक सब्जेक्ट तो एटलीस्ट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप उसको, जैसे 300 प्लस अगर बायो है या फिजिक्स आपकी अच्छी है या केमिस्ट्री आपकी अच्छी है, तो मतलब एक सब्जेक्ट तो आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप 9 महीने में तीनों सब्जेक्ट को टारगेट नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके स्कोरिंग होती नीट में कितनी, 450 प्लस, मैं आपको खुद कह देता आप ड्रॉप करिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं हमारे पास भी जिनका पहले साल में नहीं होता, हम तो उनसे यही कहते हैं, हम तो सिर्फ पूछते हैं बेटा मार्क्स कितने थे आपके, फिजिक्स में कितने थे, केमिस्ट्री में कितने थे, बायो में कितने थे, फिर डिसीजन लिया जाता है कि उस बच्चे का पूरे साल 2 साल का परफॉर्मेंस क्या था, तब कहा जाता है बेटा आप ड्रॉप करना और नहीं करना। क्योंकि अगर मैं किसी 150 नंबर लेने वाले बच्चे को मैं कह दूं कि बेटा तेरा चल ठीक है तू ड्रॉप कर ले, तो डेफिनेट उसका 1 साल बर्बाद होगा, उसके 3 लाख रुपए बर्बाद होंगे, उसका टाइम बर्बाद होगा, उसके पेरेंट्स परेशान होंगे, और वो हर हाल में आपके पास उसका पीएमटी क्लियर नहीं हो सकता। बट अगर वो बच्चा 450 स्कोर कर रहा है, उस बच्चे का सब्जेक्टिव अच्छा है, उस बच्चे का बेसिक्स अच्छे क्लियर है, तो वो एक्चुअल में 101% आपके पास नीट निकाल सकता है, और
भगवान ने क्या, वो चाहे कोई भी चाहे वो हमेशा डॉक्टर बनेगा ही बनेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। क्यों? उसका मतलब कहते हैं ना, विजन क्लियर है, उसको पता है मेरे को बनना किस लिए है, मेरे को पता है कि करना क्या है।